आप लोग किसके नाम जिंदाबाद नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम हो रहा है अभी 3 से 6 तारीख तक चलेगा। हमारी नारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो है सभी नारियों का आरक्षण दे रहे हैं, वो आरक्षण के खुशी में हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आज नारी शक्ति अभिनंदन आप लोग कर रही हैं। आज हमारा आज हम लोग बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने जो सम्मान महिलाओं को दिए 33% आरक्षण, उसके बाद महिलाओं के लिए जो सोच रहे हैं वो आज तक कोई नहीं सोचा जो मोदी जी ने सोच दिए। और महिला दिवस भी आज महिला दिवस के अवसर पर हम लोग पूरे बिहार वासी महिला उनको कोटि सा धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने महिलाओं के बीच और महिला बेटिया के आज मैराथन दौड़ निकाले हैं। और हम लोग उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि बार बार आप भी आओ, आपका दिल से इंतजार है मोदी जी। आप लो आपके न आपको हमारे दिल से सम्मान है और आपको अभिनंदन करते हैं कि आप जैसा प्रधानमंत्री ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। मोदी सरकार ही जीते। हाँ। मोदी सरकार ने देश को बदल दिया जो अभी निकल कोई नहीं कर पाया, इसीलिए मोदी सरकार को इस बार ध्यान देना चाहिए। यस मैम, गरीब लोग को बहुत नहीं, मेरे घर से सारे लोग मोदी सरकार को वोट देंगे क्योंकि मोदी बहुत अच्छे हैं, देश को सुधार दिए हैं, सगरो मतलब पाइपलाइन ये रोड पे सगरो रोड बनवा रहे, बहुत समझते हैं वो, हर एक चीज समझते हैं वो। सारा चीज दिया है, मतलब जो जो हम लोग को जरूरत होती है सब चीज देते हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आज इसमें पार्टिसिपेट करके भाग लेंगे? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी को क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, हर बार नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं, एक बार नहीं हर बार, बस। नारी शक्ति सम्मान समारोह का अभिनंदन आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। तो नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत आज हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और अपने राज्यसभा सांसद सदस्य होने के लिए माननीय डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी का हम लोगों ने आभार और धन्यवाद किया है, मोदी जी का आभार और धन्यवाद किया है जिन्होंने महिलाओं को इस प्रकार आगे बढ़ाने का काम किया है कि उसके लिए महिलाएं हृदय से उनका धन्यवाद और आभार करती हैं कि उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर आज राज्यसभा विधानसभा आज सारे क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान का पद दिया है, मान दिया है। मैराथन दौड़ से हम पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने नारी शक्ति बंधन का सही परिचय हम लोग को दिया है और आज हमारी राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता को बनाया गया है। इसके इस माध्यम से, इस मैराथन की दौड़ के माध्यम से हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हम बहुत ही आज बिहार की महिलाएं खुश और सशक्त हैं और ये आपने आज राज्यसभा सांसद बना करके हमें मोदी जी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं, तो हम लोग को इतना अच्छा अवसर दिए, यस मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, तो और मतलब लेडीज सबको इतना आगे भेजने के लिए बहुत धन्यवाद मोदी जी, ऐसे ही करते रहे देश की सेवा और कुछ नहीं। मोदी जी के धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं, मोदी जी हम लोग का विकास कर रहे हैं, वो नारी शक्तियों का समाज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग का नारी शक्ति वो जो हम लोग दौड़ मैराथन दौड़ में आए हुए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी हम लोग को समाज में नारियों को बहुत ही अच्छा बतलाया, यही सब मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं। और भारी निंदा करती हूँ हमारे बिहार की बहनों के साथ जो कल के तेजस्वी यादव के रैली में अपमान किया गया, इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। और उन महिलाओं को मैं साथ में हूँ जो महिलाएं देश के लिए समर्पित है, राज्य के लिए समर्पित है,
उनका हमारे पार्टी में सहृदय स्वागत है। महिला मोर्चा के द्वारा नारी शक्ति दौर का ये कार्यक्रम है। हमारी बेटियां सड़कों पर निकल पड़ी है माननीय मोदी जी के समर्थन में। नारी शक्ति एक दम देश की बेटियां मोदी जी के साथ है। आज नारी शक्ति बंधन दौर के तहत ये पूरे बिहार में हमारी प्रत्येक जिले में नारी शक्ति बंधन दौर का आयोजन है। इसी कड़ी में आज बिहार में ये चल रहा है। बाकी आप लोग को फिर से अपडेट देते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।